हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। दिस इज राहुल विश्वकुमार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल पीआई राहुल। सो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 12, दैट इज एटम्स एंड एक्सरे। ठीक है, अब हम आज लिए आपके लिए लेकर आए हैं एटम का लास्ट लेक्चर। इसमें हम जितने भी एटम की बची हुई चैप्टर की बची हुई टर्म्स हैं वो सब सीखेंगे एंड देन हमारा लेक्चर चैप्टर फिनिश करेंगे। सर, आपने न्यूमेरिकल्स तो करवाए नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने इम्पल्स सीरीज के अंडर में एक लेक्चर रखा हुआ है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। क्लियर? तो न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गए, थ्योरी पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। बात करते हैं पहले रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, देन हम चलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, फिर उसी से रिलेटेड एक एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे एंड देन हम आयनाइजेशन पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मुझे पता है चीज़ें काफ़ी आपको टफ लग रही होगी सुनने में, बट जैसे जैसे आपके सामने आती जाएगी वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें इजी लगती रहेगी। तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। रिडबर्ग कॉन्स्टेंट के साथ में मैंने लिखा हो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, अब बच्चों सुनो, सुन रहा है? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से कहाँ मूव करेगा? लोअर एक्साइटेड एनर्जी लेवल में मूव करेगा। ठीक है, अरे भाई कहाँ से कहाँ? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा या हायर एनर्जी एक्साइटेड लेवल से? ये सब काम होगा, लोअर एनर्जी एक्साइटेड लेवल में चला जाएगा। ठीक है, मान लो ये ऑर्बिट कितना है, N2 ऑर्बिट है, और ये वाला ऑर्बिट कितना है, N1 ऑर्बिट है। क्लियर? ये ऑर्बिट क्या है, ये N2, और ये क्या है, N1 ऑर्बिट है। क्लियर? मान लो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, En1, और इसकी एनर्जी हो गई En2, और इसकी एनर्जी हो गई En1। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई, ऊपर वाला लेवल जो भी होगा अभी मैं बताऊंगा आपको, जब स्पेक्ट्रम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपर लेवल होता है उसकी एनर्जी हाई और जो लोअर लेवल है उसकी एनर्जी लो। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, हाई एनर्जी वाला ऊपर है, इस तरीके से है। ये दो लेवल है, एक N2 है और एक N1 है, इसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी लो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, N2 से N1 में जंप कर रहा है। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है, En2, इस वाले की एनर्जी कितनी है, En1। क्या दिक्कत है भाई? सिंपल लॉजिक, वेरी गुड। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया दोनों में, ΔE = क्या लिखोगे सर? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ आ गए आप? फाइनल कहाँ आ गए? N1 में। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? N2 से। तो इनिशियल क्या, N2, फाइनल क्या, N1। आप कहाँ से कहाँ है? N2 से N1 आए, तो एनर्जी गैप क्या हो गया, En1 - En2। क्लियर है? En1 - En2। अब बोलो। ठीक है, एनर्जी में गैप क्या होता है, H𝛎। भाई एनर्जी को क्या लिख सकते हो, H𝛎 भी लिख सकते हो। तो चेंज इन एनर्जी को क्या लिखा, चेंज H·𝛎। इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, HC/λ। कोई नई चीज़ नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये 1/λ निकालना है। अब बताओ, इसके पास N2 से N1 इलेक्ट्रॉन को N2 से N1 जंप करने के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? और हाँ, देखो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? काइनेटिक एनर्जी की। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल भैया, बोल कटाकट याद कर। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी me⁴ 8 ε₀² H² n² यही था, यहाँ पे n रखेगा।
एन इजिकल टू एन टू रख दो, एक बार एन इजिकल टू एन वन रख दो, ठीक है, तो गैप आ जाएगा। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कितनी एनर्जी थी? कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो? एन वन की, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे? एन वन। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो? एन टू की, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे? एन टू। तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा ई मिल जाएगा। चलो, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एन वन के लिए क्या लिखोगे? एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्साइलन नोट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैंने क्या किया, चलो लिख लेता हूँ, एन वन का स्क्वायर सही है माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्साइलन नोट का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन टू का स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू एन टू। एन टू वाले में, इस वाले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? इतनी। इस वाले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? इतनी। एन वन है तो एन वन की एन की जगह एन वन रख दिया, है ना। एन टू है तो एन टू की जगह एन की जगह एन टू रख दिया। आपको नंबर्स दिए होते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो एन की जगह वन रख देते, एन की जगह टू रख देते, क्या दिक्कत है? वही काम किया। अब देख, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। वेरी गुड, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बच्चों, ये तो दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ गया, ठीक है। डेल्टा ई की जगह क्या पुट करेंगे? एच सी अपॉन लेमडा। एच न्यू भी पुट कर सकते बट हमें क्या निकालनी है फिलहाल? वेवलेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? एच सी अपॉन लेमडा यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलो करते हैं। सो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्साइलन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन, यहाँ कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? 1 अपॉन लेमडा। क्या निकालना है आपको? 1 अपॉन लेमडा निकालना है। 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा मतलब एच इंटू सी को इधर नीचे भेज दो, तो ये एच और ये एच स्क्वायर क्या बन जाएगा? एच क्यूब एम ई की पावर 4 एट एप्साइलन नोट का स्क्वायर। यहाँ क्या था बच्चों? एच स्क्वायर। ये वाला एच भी इधर आ गया तो क्या बन गया? एच क्यूब मल्टीप्लाई सी। सी भी तो आएगा भैया, एच सी पूरा इधर आ गया तो एच क्यूब और सी। 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, क्लियर है। अब बच्चों, ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। एक्चुअली मैम, एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले बामर नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने रिसर्च करी। वो स्विस में एक टीचर थे, स्कूल टीचर थे स्विस में, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने बैठे बैठे फ्री बैठे बैठे बामर सीरीज की रिसर्च कर डाली। बामर सीरीज के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? दिस। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया बामर सीरीज की वेवलेंथ निकालने के लिए, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तो रिडबर्ग ने सोचा कि मैं इसे थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। एक रिडबर्ग नाम का एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने बामर के काम में छेड़खानी करी। उन्होंने कहा कि आपने ये सीरीज दिया, यहाँ तक तो क्या है? बामर का फॉर्मूला। उसके अभी मैं बताऊँगा बामर कौन था, बट फिलहाल सुन लो, ये तो क्या है? बामर का फॉर्मूला। तो एक साइंटिस्ट और आया रिडबर्ग नाम के, तो उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया। उन्होंने इस पूरी टर्म को कैलकुलेट किया और उसे क्या नाम दे दिया? रिडबर्ग कांस्टेंट। इस पूरी टर्म को कैलकुलेट किया, सबकी वैल्यू आपके पास है, ठीक है। हर एक चीज़ की वैल्यू आपके पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू भी पता है, ठीक है। जब आप वैल्यू रखोगे तो 10.9 × 10⁶ मीटर इनवर्स ये आया रिडबर्ग कांस्टेंट, ये आया। बाद में इसे और सोल्व करके ऐसा लिख सकते हैं, 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स, लगभग बराबर। इसे बोला रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या था?
रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसे लिखते हैं कैपिटल आर से। वैल्यू कितनी है? 1.1×10⁷ मीटर इनवर्स। ये है रिडबर्ग की कहानी, खत्म। तो एक साइंटिस्ट आया, ये किसने दिया था? बामर ने दिया। ये वाला फॉर्मूला किसने दिया बेटो? ये वाला फॉर्मूला किसने दिया? बामर ने। बाद में जब इतनी बड़ी, यार कि इतनी बड़ी टर्म को कौन सोल्व करेगा, तो एक साइंटिस्ट आया रिडबर्ग, उन्होंने इस फॉर्मूले को और सिंपलाइज किया और उन्होंने इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके और अपनी वैल्यू दे दी। और अपनी वैल्यू दी, इस वैल्यू को उन्होंने कॉन्स्टेंट नाम दे दिया जिसका नाम है आर। आर को बोलते हैं रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। क्लियर है? दिस वन। अब यहाँ पे इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? आर पुट कर सकता हूँ। तो आर पुट करो तो क्या बन जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू आर, या इसको थोड़े से अलग पेन से लिख देता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/N1² माइनस 1/N2². देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे ही इतनी बड़ी टर्म्स हट गई वैसे ही कितना अच्छा लग रहा है फॉर्मूला, लग रहा है? नहीं लग रहा है? अब देखो पूरा सिंप्लीफाई हो गया। इतना बड़ा फॉर्मूला रटना पड़ता आपको, अब इतना सा फॉर्मूला रटना पड़ेगा, तो इसलिए रिडबर्ग ने इसको, बस कोई नई चीज़ नहीं करी उन्होंने, फॉर्मूला तो बामर ने ही दिया था लेकिन रिडबर्ग ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और इस आर की वैल्यू कितनी होती है? 1.1×10⁷ मीटर इनवर्स। खत्म। इतना सा फॉर्मूला है। तो ये है बच्चों रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब रिडबर्ग कॉन्स्टेंट से हमने ये वेवलेंथ किसकी आई? इलेक्ट्रॉन की, जो हायर से लोअर में जा रहा है। भाई हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, तो जो एनर्जी इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? इतनी। अगर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलता तो आराम से निकल जाती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, यही होती है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। बट फिर यहाँ से आपको सी नहीं मिलता, ठीक है, अब यहाँ से आपको रिडबर्ग कॉन्स्टेंट नहीं मिलता। अगर फ्रीक्वेंसी निकालते ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो आपको रिडबर्ग कॉन्स्टेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रिडबर्ग कॉन्स्टेंट में सी भी मल्टीप्लाई होता है, सॉरी सी भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक बोल सकते हो कि नई फ्रीक्वेंसी आई है, ये इसे बोलते हैं म्यू बार। तो म्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/N1² माइनस 1/N2². तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसे भी दिया जाता है, म्यू बार से लिखा जाता है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, एडिटिंग फ्रीक्वेंसी, इसलिए बार लिखा है। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे हम। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा एनर्जी लेवल पे, जिसकी मैं बात करूँ ना आपको कि हायर से लोअर में आ रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, तो वो कैसे हो रहा है वो चीज़ देखते हैं हम। उसमें क्या सीन बनेगा सुनना, एनर्जी लेवल डायग्राम, हेडिंग डाल लेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अच्छा बच्चों थिंक अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको सिखाया था अगर किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी, इलेक्ट्रो वोल्ट में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? nth ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रो वोल्ट में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा है क्या? एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है सर, आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है सुनो, अगर मैंने आपको बोला कि nth ऑर्बिट में एनर्जी एट nth ऑर्बिट कितनी दी भैया? En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n² यही था, माइनस का 13.6 अपॉन n² इंटू इलेक्ट्रोवोल्ट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अच्छा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालें तो कितनी होगी? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी? सर n की जगह 1 पुट कर दो आंसर आ जाएगा। चलो माइनस 13.6
अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये मिल गया आपको माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये कहाँ आई? फर्स्ट लेवल पे एनर्जी। सेकंड की बात करो तो सेकंड ऑर्बिट में T2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका? माइनस 3.05 इलेक्ट्रोवोल्ट। ना एकदम इतनी आएगी, माइनस का 3.05 या 3.4 ऐसा, 3.4 या 3.5 समथिंग कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अच्छा, E3 की बात करो तो थर्ड ऑर्बिट के लिए माइनस का 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 समथिंग माइनस 1.50 इलेक्ट्रोवोल्ट, कुछ इस तरीके से आएगी। देखो, सभी में एनर्जी निकाल ली आपने, फोर में भी निकाल लो, फोर में भी निकाल लो, समथिंग कुछ क्या आएगा। देखो, E4 माइनस का 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो, हर एक लेवल पे एनर्जी अलग अलग आ रही है। अब चीज़ ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे आप 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, देखो नेगेटिव साइन तो है, लेकिन देखो पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव में एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ अमाउंट कम, फिर अमाउंट कम, फिर अमाउंट कम, अमाउंट घटता जा रहा है, लेकिन माइनस साइन है अभी भी। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये वाली एनर्जी सबसे लोअर है, उसके बाद ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, समझे? इधर देखो, जब भी आप ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, ठीक है, इधर जीरो रखते हो, इधर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से पुट करते हो, और इधर क्या करते हो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इस तरीके से पुट करते हो, ठीक है। इधर जाते हैं तो घट डिक्रीमेंट होता है या इंक्रीमेंट होता है? इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है? मान लो आपको इधर से इधर जाना है, ऐसा जाना है इस तरफ, बताओ इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो? डिक्रीजिंग हो रहा है। देखो, 3 से फिर डिक्रीज हो गए 2 से डिक्रीज हो गए 1 से डिक्रीज हो गए 0, फिर 0 से और डिक्रीज हो गया तो -1, और डिक्रीज हुए तो -2, और डिक्रीज हुए तो -3, यानी कि माइनस में अमाउंट बढ़ता है, माइनस में अमाउंट बढ़ रहा है, माइनस साइन है, और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। देखो 1 2 3, और साइन कौन सा है? माइनस। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो उसी तरीके से ये भी एनर्जी है। अब देखो, एनर्जी माइनस साइन में क्या हो रही है? बढ़ रही है। इधर देखो, यहाँ से यहाँ जाओ, ऊपर जाओ, ये रहा एनर्जी, ठीक है। पहले एनर्जी कितनी थी? -0.85, फिर कितनी होगी? -1.5, फिर -3.5, फिर -13.6। इसका मतलब यू 4 से लेके 1 पर जाने में, यानी नीचे, ऊपर से नीचे जाने में, अभी कहाँ आए? 4 से 1, ठीक है, कहाँ आए आप लोग? 4 से 1 पे आए हो। तो इस तरीके से का ग्राफ बनेगा, अभी सुनना। ये होगी आपकी n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गया n इज इक्वल टू 3, ये हो गया n इज इक्वल टू 4, और ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे नंबर्स? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये हो गया n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट? एक्जैक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सुनो, जब n इज इक्वल टू 1 था तो एनर्जी कितनी थी? माइनस का 13.6, कितनी थी? माइनस का 13.6। n इज इक्वल टू 2 पे कितनी है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इधर बताओ 3 पे कितनी है? माइनस का 1.50 इलेक्ट्रोवोल्ट।
फोर पे कितनी है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देख ये क्या हो गया, हायर एनर्जी लेवल, ये उससे लो एनर्जी लेवल, ये उससे भी लो एनर्जी लेवल, और इसका लेवल एनर्जी लेवल सबसे कम, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। आप देख रहे हो 13.6 तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भाई उसके आगे भी तो देख तू माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 13.6 सही है, प्लस का 13.6 नहीं है। तो माइनस का है तो इसकी वैल्यू सबसे कम, माइनस का ये है तो इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, फिर आगे आगे और ज़्यादा होती जाएगी ऐसे, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइट पे निकालूँ तो इनफाइनाइट में ई इनफाइनाइट वैल्यू रखो, माइनस का 13.6 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 अपॉन समथिंग समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। एनर्जी कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट लेवल पे, ज़ीरो। यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद में फिर एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़ीरो के बाद में फिर एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो धीरे 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 जैसे इनफाइनाइट से नीचे आता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी एनर्जी घटती जा रही है। एन इजिकल टू 5 पे निकालो और डिक्रीज होगी, एन इजिकल टू 6 पे निकालो और डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊँगा एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, या नीचे से ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी की लेवल बढ़ेगी, ठीक है। इसे बोलते बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही आप हायर एन एक्साइटेड लेवल से लोअर एक्साइटेड लेवल पर जा रहे हो, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहे हो, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो हमेशा आपकी एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, हमेशा आपकी एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और अगर लोअर से हायर पे जाओगे तो इंक्रीमेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आप इस तरीके से आओगे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आओगे तो हमेशा ध्यान रखना एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि अगर आप हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आते हो तो हमेशा आपकी एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, कोई खास बात नहीं है। बस ध्यान रखना कि ये वाली जो लेवल होती है एन इजिकल टू 1, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। फिर उसके बाद ये हो जाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये होती है ग्राउंड स्टेट, क्लियर है। तो कभी कभी आपको बोला जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ, तो आप ऐसा मत रखना कि फर्स्ट का मतलब एन इजिकल टू 1, नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल का मतलब है एन इजिकल टू 2, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, भाई यहां से एक्साइटेड होकर फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n इजिकल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इजिकल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इजिकल टू 3, ये क्या हो जाएगा, थर्ड, वेरी गुड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी n इजिकल टू क्या, 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब n इजिकल टू 5, सिक्स्थ का मतलब n इजिकल टू 5, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ये सारा चीज़ था आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना है, हायर से लोअर पे तो आराम से आ जाएगा, लेकिन क्या है बच्चों कि ये जो हायर एनर्जी लेवल है ना, ये इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ध्यान रखना, हायर एनर्जी लेवल की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, लोअर में चला जाता है, ठीक है। वापस कहाँ चला जाएगा, देखो लोअर से हायर में गया, ठीक है, हायर में जाने के बाद में वापस इसको यहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये वापस कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। वापस कहाँ आ जाता है,
नीचे, तो जब वापस ऊपर से नीचे आता है ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो एनर्जी का क्या करता है, इमिटिंग करता है। एयर एनर्जी को इमिटिंग करने के बाद इससे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे लाइट के साथ में हमें स्पेक्ट्रम मिला, वैसे ही इसके साथ में भी हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं और ये भी देखेंगे कि उसका लाइट के स्पेक्ट्रम से कैसे रिलेशन है, उसका लाइट के स्पेक्ट्रम से कैसे रिलेशन है। यहाँ तक कॉपी करो आप। ओके बच्चों, तो जैसे हमने लाइट के लिए स्पेक्ट्रम निकाला था, वैसे ही एटम या इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करता है तो उसके लिए भी उन्होंने एक स्पेक्ट्रम बना दिया। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, क्योंकि सभी ने किसके लिए कैलकुलेट किया था, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट किया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बात करते हैं पहली, देखो जिन जिन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इन सीरीज की खोज करी या रिसर्च करी, उनके नाम पर ही इन सीरीज को नाम दिया गया। जैसे लाइमन, तो पहली बार इनकी खोज करी थी लाइमन ने, तो लाइमन सीरीज। इसी तरह बामर, ठीक है, फिर फुंड, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब उसी तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने का मतलब कोई स्पेशल नामकरण नहीं किया गया, बट इन्होंने क्या है कि सबसे पहले, सबसे फर्स्ट जो है इन्होंने इसकी रिसर्च करी, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट टाइम इसकी अगर nth ऑर्बिट से है, nth ऑर्बिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ रहा है, ग्राउंड लेवल पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ग्राउंड लेवल पर, या n इज इक्वल टू वन पर। ग्राउंड लेवल का मीनिंग क्या होता है, n इज इक्वल टू वन, जीरो मत पुट कर देना ग्राउंड का मतलब, n इज इक्वल टू वन। तो अगर कहीं से भी आओ, वो शायद सेकंड से आओ, थर्ड से आओ, फोर्थ से आओ, फिफ्थ से आओ, इन्फाइनाइट तक कहीं से भी आओ, लेकिन आना कहाँ चाहिए, ग्राउंड लेवल पर। तो अगर nth ऑर्बिट से ग्राउंड लेवल पर आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ कैसे होगी, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, अब आर इज इक्वल टू, सॉरी, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर वन अपॉन एन टू स्क्वायर। एन वन क्या है, वन, एन वन क्या है, वन, एन टू क्या है, एन तो ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लो आपका, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सुनना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो क्या पुट करोगे, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, लाइमन की, पक्का, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, लाइमन की। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू वन, लाइमन का फॉर्मूला ये रहा, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू कितना, थ्री, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू कितना, थ्री, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, n की जगह थ्री, तो वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो वन माइनस वन अपॉन नाइन, सोल्व कर लो, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, जो वेवलेंथ मिलेगी बच्चों वो किसकी रेंज होगी, यूवी सीरीज। जब लाइट का स्पेक्ट्रम मिलते हैं, जब अपन लाइट का स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो उसमें अलग अलग आते हैं। देखो, एक्सरे का रीजन अलग होता है, माइक्रोस्कोपिक का अलग होता है, अल्ट्रावायलेट का अलग होता है, यू गामा रेज का अलग होता है, विजिबल रीजन अलग होता है ना। जब मैं आपको लाइट पढ़ाऊँगा अपने चैनल पर, तो मैं आपको बताऊँगा स्पेक्ट्रम पूरा लाइट का, बट फिलहाल ध्यान दो कि अलग अलग उसके स्पेक्ट्रम होते हैं, तो हर एक रीजन की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। गामा रेज की अलग होती है, यूवी रेस की अलग होती है, एक्स रेस की अलग होती है, याद है। उसी तरीके से जो रेंज यूवी रेस की होती है वेवलेंथ की, वही रेंज लाइमन सीरीज की थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जब लाइमन सीरीज की वेवलेंथ निकाली तो वो किसकी रेंज में आई, यूवी सीरीज की रेंज में आई। किसकी रेंज में आई बच्चों, यूवी सीरीज। यानी कि जो रेंज यूवी की थी वही रेंज इनकी है। उसी तरीके से बामर सीरीज, अब अगर आपका ग्राउंड स्टेट की जगह इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी n इज इक्वल टू टू में आता है, कहाँ आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी n इज इक्वल टू टू में आपका इलेक्ट्रॉन आता है। कहाँ से, कहीं से भी आओ, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आओ, लेकिन आना कहाँ चाहिए, n इज इक्वल टू टू, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना चाहिए। ठीक है, तो उसे बोल दिया, यहाँ क्या रख दिया, टू का स्क्वायर रख दिया। भाई फॉर्मूला क्या था, अभी रेडबर्ग वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी निकाला अपन ने,
वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी निकाला बच्चों अपन ने, क्या था, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, यही निकाला। ठीक है, आ कहाँ से रहा है, n2 से, जा कहाँ रहा है, n1 में। बामर के लिए n1 क्या होता है, 2। बामर के लिए n1 क्या है, 2। यानी बामर के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड का मीनिंग n इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, 2। अभी मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बना, तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर, ये लो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ये n कुछ भी हो सकता है, अगर थर्ड लेवल से आता है तो n की जगह थर्ड, फोर्थ लेवल से आता है तो n की जगह फोर्थ, इनफाइनाइट से आता है तो n की जगह इनफाइनाइट, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, वो आप पे ऊपर डिपेंड है। इसकी जो वेव लेंथ निकाली वो वी अल्ट्रा वायलेट रेंज के या यूवी रेंज के आसपास और विजिबल रीजन के, यानी दोनों के बीच की जो रेंज है, दोनों के बीच की जो वेवलेंथ की रेंज है उस रेंज की ही आती है। तो इसकी वेवलेंथ जब निकालोगे तो इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, इन दोनों की रेंज के इक्वल आएगी। पास्चन सीरीज में अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है, एन इक्वल टू 3 में आता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पास्चन सीरीज। ये इनकी रेंज होती है इंफ्रा रेड की रीजन। इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज, अगर वो एन इजिकल टू 4th में आता है या 3rd एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसके बोल देते हैं। ठीक है, इसकी रीजन क्या होती है, इंफ्रा रेड, इसकी भी इंफ्रा रेड। फुंड की बोलो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका एन इजिकल टू 5th लेवल में आता है या फिर 4th एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसकी भी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आर इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। उसकी भी जो वेवलेंथ आएगी वो किस रीजन की आएगी, इंफ्रा रेड रीजन की आएगी। ठीक है, ये सारी एक चीज़ कॉपी कर लो, वापस से मैं डायग्राम बना देता हूँ, कोई खास लेवल की वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया होगा। चलो मैं इसका आपको एक बार और स्पेक्ट्रम बना के बताता हूँ जहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब अपन स्पेक्ट्रम बना लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, जो मान लेते हैं ये अपने ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। ग्राउंड लेवल मतलब n इजिकल टू क्या, 1, n इजिकल टू क्या, 1। ठीक है, थोड़ी ऊपर गए, ये n इजिकल टू 2, ये कुछ गड़बड़ बन गया, ये क्या आ गया, n इजिकल टू 2। उसी तरीके से थोड़ा और ऊपर गए, ये आ गया n इजिकल टू 3। ये आ गया n इजिकल टू 4। ये मुझसे ना थोड़े से डायग्राम गलत बन रहे हैं तो, बट ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6, ये n इजिकल टू 7। छी, इतने गंदे डायग्राम बना दो सर आप, ये n इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने 7 बनाए हैं, आप चाहो 8 बना सकते हो, आप चाहो 9 बना सकते हो। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। ठीक है, और मान लो या इनफाइनाइट बना देता हूँ, धीरे 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 धीरे, ये क्या बन गया, n इजिकल टू इनफाइनाइट। ठीक है, 7 एनर्जी लेवल बनाया है मैंने और उसके ऊपर क्या बना दिया, इनफाइनाइट बना दिया। ठीक है, पहले बात कर लेते अपन लाइमन सीरीज की। ठीक है, या चलो
पहले उल्टा चलते थोड़ा सा, लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज की बात कर लेते हैं। सुनो, लाइमन सीरीज में कहाँ आना है इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट पे। इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है, ग्राउंड स्टेट। कहाँ से आना है, चाहे जहाँ से आए, मान लो इनफाइनाइट से आया, चल ये आ गया, कहाँ आ गया, सीधा ग्राउंड लेवल पे आ गया। एन इजिकल टू सेवन से वहाँ से भी कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। सिक्स से वहाँ से भी कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। फाइव से वहाँ से भी कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। फोर से बोलो ग्राउंड लेवल पे, थर्ड से बोलो ग्राउंड लेवल पे, सेकंड से बोलो ग्राउंड लेवल पे, वन से बोलो नहीं आएगा। तो ये होती है बच्चों लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आओ, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आना चाहिए, एन इज इक्वल टू वन पे, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट पे आना। इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। दिख रहा है लाइमन सीरीज, ओके। ये होगी लाइमन सीरीज, ठीक है। और लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ कितनी है, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन वन का स्क्वायर। अब देखो, जब इन्फाइनाइट से आया तो एन की जगह इन्फाइनाइट रख दिया, जब सेवन से आया तो एन की जगह सेवन रख दिया, सिक्स से आया तो एन की जगह सिक्स रख दिया, फाइव से आया तो एन की जगह फाइव रख दिया, फोर से आ रहा है तो एन की जगह फोर रख दिया, थ्री से आ रहा है तो एन की जगह थ्री रख दिया, टू से आ रहा है तो एन की जगह टू रख दिया, ऐसे करना है, ठीक है। अब चलो, अब मान लो इलेक्ट्रॉन एन इजिकल टू वन पे ना आए, इलेक्ट्रॉन एन इजिकल टू वन पे ना आए और आके कहाँ रुक जाए। मान लो इलेक्ट्रॉन आया और यहीं रुक गया, कहाँ रुका, सेकंड ऑर्बिट में। कहाँ रुक गया, सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। सेवन से भी आया और आके कहाँ रुक गया, वापस से सेकंड ऑर्बिट में। यहाँ से भी आया, कहाँ रुका, सेकंड ऑर्बिट में। यहाँ से भी आया तो कहाँ रुक गया, सेकंड ऑर्बिट में। यहाँ पे बोलो, ये बोलो, चाहे वो इन्फाइनाइट से आया, रुका कहाँ, सेकंड ऑर्बिट में। सेवन से आया, कहाँ रुका, सेकंड ऑर्बिट में। फिफ्थ से आया, कहाँ रुका, सेकंड ऑर्बिट में। सिक्स से आया, सॉरी फोर से आया, कहाँ रुका, सेकंड ऑर्बिट में। थर्ड से आया, कहाँ रुका, सेकंड ऑर्बिट में। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आके रुक जाए तो उसे बोलेंगे बामर सीरीज। यहाँ लिखता हूँ इसे, उसे क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम मिलेगा बच्चों, इन्फाइनाइट से लेके एन इज इक्वल टू थ्री तक, इन्फाइनाइट से आया और कहाँ तक आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू थ्री तक। एन इज इक्वल टू टू पे तो आ ही रहे हैं, तो कहाँ तक के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इन्फाइनाइट में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और जो इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे अवेलेबल है, वहाँ से लेके थर्ड लेवल तक के कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है, एन इज इक्वल टू टू में आ सकता है। तो अगर एन इज इक्वल टू टू में आके इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, तो इस जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो इसकी वेवलेंथ आप निकालोगे, वो वेवलेंथ किसकी रेंज की होगी, विजिबल रेंज की, ठीक है। चलो मान लो अब इलेक्ट्रॉन वापस आया और कहाँ आके रुक गया, एन इज इक्वल टू थ्री में आके रुक गया। सेवन से आया, वो भी थ्री में आके रुक गया। सिक्स से आया, वो भी थ्री में आके रुक गया। फाइव से आया, वो भी थ्री में आके रुक गया। फोर से आया, वो भी थ्री में आके रुक गया। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम मिला है बच्चों, इसे बोलेंगे पाश्चन। इसे क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज। इसे क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज। यहाँ जो स्पेक्ट्रम निकलेगा उसकी रेंज क्या होगी, इन्फ्रारेड। उसकी रेंज क्या होगी, इन्फ्रारेड। चलो अगली बात करते हैं। मान लो अब इलेक्ट्रॉन आके कहाँ रुक गया, एन इज इक्वल टू फोर में। कहाँ रुका, फोर में। सेवन से चला और कहाँ आ गया, फोर में आ गया। सिक्स से चला और कहाँ आ गया, फोर में आ गया। फाइव से चला और कहाँ आ गया, फोर्थ में आ गया। तो ये वाला जो रीज़न है, ये होता है आपका ब्रैकेट से। कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलो, अब फोर की जगह फाइव में आ गया, इनफाइनाइट से चला और फिफ्थ में आया। सेवन से चला और फिफ्थ में आया। सिक्स से चला और फिफ्थ में आ गया। इसे बोला आपने फुंड सीरीज।
यहाँ पी साइलेंट है, ठीक है, फुंड सीरीज। इसके लिए वेवलेंथ किससे निकालोगे, 1 upon lambda = r, 1/2 2 square - 1/n square, n इजिकल टू 3 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, n इजिकल टू 3 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। यहाँ निकालोगे तो 1 upon lambda रिटबर्ग कॉन्स्टेंट 1/3 square 1/n square। इसके केस में n n 4 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। यहाँ आ जाओ 1 upon lambda रिटबर्ग कॉन्स्टेंट 1/4 square - 1/n square। तो इसके लिए n 5 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। यहाँ बोलो 1 upon lambda = 4 1/5 square - 1/n। इसके लिए स्मॉल n 6 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको 5 सीरीज डिसाइड किए गए, 1, 2, 3, 4, 5, पहली लाइमन, पामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से या किसी भी एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस लाइमन सीरीज, अगर सेकंड लेवल पे आता है, सेकंड लेवल मतलब चलो इसका नाम भी दे देते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई आपकी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट, अगर कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो बामर सीरीज, कहीं से भी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो पाश्चन, थर्ड में आएगा तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आएगा तो फोर्थ में आएगा तो फुंड, फिफ्थ में आएगा तो कौन सी हो गई, फुंड, सॉरी, ओके, ठीक है। तो ये है आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब बच्चों सुनो, एक आता है फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का मतलब ये है, देखो लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, जो पास्ट से आया है। फर्स्ट मेंबर का मतलब कौन होता है, जो पास्ट से आया, मतलब सॉरी पास्ट से आया। जैसे अब आप लोगों ने 10 लोगों को बुलाया आपके पास, ठीक है, 10 आप लोगों ने 10 गेस्ट को इनवाइट किया, ठीक है, तो आपका फर्स्ट गेस्ट कौन सा होगा, जो पास में रहता है वही होगा आपका फर्स्ट गेस्ट, उसके बाद थोड़ा दूर वाला आएगा, आपका फर्स्ट गेस्ट कौन सा होगा, जो आपके पास में रहता है। तो लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, जो पास में है यानी कि सेकंड लेवल पे है। सेकंड गेस्ट कौन सा होगा, जो यहाँ से आएगा। थर्ड गेस्ट कौन सा होगा, वो यहाँ से आएगा। तो इसके लिए फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 1 में आएगा तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर। और अगर n = 3 से n = 1 में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए सेकंड मेंबर। अब यहाँ पे आओ, बामर सीरीज के लिए फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, जो इसके पास से आए, तो सबसे पास कौन है, 3 से अगर जो 2 में आएगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट मेंबर। अगर सेकंड मेंबर कौन, जो फोर्थ से आएगा। थर्ड मेंबर, जो फिफ्थ से 2 में आएगा, इस तरीके से। तो इन तरीके से क्वेश्चन ये से पूछा जाता है कि फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालो, सेकंड मेंबर की वेवलेंथ निकालो, तो आपको वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका स्पेक्ट्रल सीरीज, आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत बातें करेंगे जिसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट की बातें करेंगे, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ऑल द बेस्ट।